हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये जो इलेक्ट्रिकल वेपोराइजर है, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या इसकी फंक्शनिंग है? तो ये जो वेपोराइजर है, हमें मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है और साथ में ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और लगभग 300-400 में ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी बेसिक सी मशीन है जो हर घर में होना ही चाहिए, क्योंकि कोल्ड कफ है और अभी के हिसाब से यदि कोविड चल रहा है तो ये मशीन लगभग हर घर में होनी ही चाहिए। इस तरीके से वायर होगा इसमें, और तीन अटैचमेंट होते हैं इसमें, ये पूरे चेहरे के लिए, दूसरा जो अटैचमेंट है डायरेक्ट नोज़ में भाप लेने के लिए, और एक इस तरीके का अटैचमेंट होता है। इलेक्ट्रिकल वेपोराइज़र हमें यूज़ कैसे करना है, तो इसमें क्या होता है, ये कंटेनर होता है। कंटेनर में तीन वैल्यूज़ यानी तीन लेवल दिए हुए हैं, लो, मीडियम एंड मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम लेवल पर पानी भरना है। याद रखिए, सबसे पहले पानी भरेंगे, उसके बाद ही इस मशीन को ऑन करना है, क्योंकि यदि बिना पानी भरे हम मशीन को ऑन करते हैं तो इसके पार्ट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके से वायर होगा इसमें। तो ये जो अटैचमेंट है, इसे इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। अटैचमेंट होता है, और ये मेनली ठंड में काम में आता है। यदि हमारा जो रूम है, पैक रूम है, उसमें हम एक जगह पर हम इसे गर्म करके रख देते हैं तो हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है वार्म हो जाता है और गर्मी हो जाती है आसपास रूम में। अभी हमने देखा, नेक्स्ट जो अटैचमेंट होता है वो नोज़ का अटैचमेंट होता है, उसे भी इस तरीके से फिट कर देंगे, और इस तरीके से डायरेक्ट नोज़ पर हम स्टीम ले सकते हैं। और इस तरीके से पूरे चेहरे पर हम स्टीम ले सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हमें कितनी बार यूज़ करना चाहिए। तो दिन में एटलीस्ट हम 2-3 बार इसे यूज़ कर सकते हैं। पर याद रखिए कि इसका जो यूज़ करने का ड्यूरेशन है, यानी भाप लेने का जो समय है, वो हम बस 5 मिनट तक ही ले, क्योंकि यदि